जब शिवालिक विकास मंच के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट एवं कांग्रेस वरिष्ठ नेता विजय बंसल को गिरते हुए को संभाल लिया था वर्करों ने। मौका था एचएमटी कॉलोनी के मुख्य गेट के बाहर भाजपा पार्टी के खिलाफ एचएमटी फैक्ट्री के ट्रैक्टर प्लांट को बंद करने के बाद काला दिवस मनाने का। इस दौरान सभी राजनीतिक दल के नेताओं सहित एचएमटी फैक्ट्री के कर्मचारियों के साथ अन्य संस्थाओं ने एचएमटी गेट के बाहर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंकने का कार्यक्रम था। जब जलता पुतला अचानक गिरने लगा तो और ऐन वक्त पर मंच के प्रदेश अध्यक्ष एवं एडवोकेट कांग्रेस वरिष्ठ नेता विजय बंसल पीछे हटते समय गिर गए थे, लेकिन वर्करों ने उन्हें संभाल लिया था। इस दौरान दीपांशु बंसल भी बाल बाल बच गए थे, अन्यथा यहां हादसा हो सकता था। इस दौरान कुछ दिन पहले इन्हीं दिनों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी एक कार्यक्रम के तहत नीचे गिरे थे और उसी दौरान यही हादसा मंच प्रदेश अध्यक्ष विजय बंसल के साथ भी हुआ था। घटना 27 अक्टूबर 2020 की दोपहर को हुई थी। एचएमटी फैक्ट्री पिंजौर के ट्रैक्टर प्लांट बंद होने पर कांग्रेसी आप पार्टी सहित अन्यों ने मिलकर भाजपा की केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ भी नारेबाजी की थी। और इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका जाना था। वाकया 27 अक्टूबर 2020 का है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले को आग लगाई जा रही थी तो पुतला शिवालिक विकास मंच के प्रदेश अध्यक्ष विजय बंसल पर जलता हुआ पुतला गिरने लगा था और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस वरिष्ठ नेता विजय बंसल पीछे हटते हुए नीचे गिरने लगे थे तो वहाँ खड़े कार्यकर्ताओं और लोगों ने उन्हें संभाल लिया था और बड़ा हादसा होने से टल गया था। इस दौरान एनएसयूआई छात्र संगठन के नेता दीपांशु बंसल भी बाल बाल बच गए थे, क्योंकि पुतला उनके ऊपर गिर सकता था यदि समय रहते उसे पकड़ा गया ना होता। हाथ खड़ा कर लो, सुनो आप पीछे खड़ा। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 मोदी हाय 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 हाय, मोदी मुर्दाबाद, 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 बीजेपी हाय 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 हाय।